प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तरणचरानुगम श्रीनिकेतनम् देहिना पाप कर्षणम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् कृणुकुटेषुना तप्तजीवनम् कविरीतम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम् भुवि गृह्णन्ति ते विनम्रता है, ऐसी विनम्रता साध के रखो। विद्या ददाति विनयम्। विनय में अपनी कोई चीज नहीं मानी जाएगी, विनय में फिर ये स्वीकार हो जाता है मन के द्वारा कि ये सब विभूति विस्मय कुतूहल उनका दिया हुआ है। फिर कृतज्ञता विनम्रता रहती है, कृतज्ञता रहती है और धन्यता रहती है, कृतकृत्यता रहती है। फिर उपकार मानकर आप झुके झुके रहते हैं। जब ऐसा उन्होंने स्वीकार कर लिया तो भगवान भी प्रकट हो गए। इति रवेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। फिर भगवान वेणुवादन करते हुए प्रकट हो गए। जब उन्होंने स्वीकार ही कर लिया कि हमारी भूल है, इसे साधन दो बातों के लिए है। भोग के लिए, अपवर्ग के लिए। भोग लीजिए जो मिला है, अपवर्ग के लिए ऊपर उठने के लिए। परिष्कार के लिए, उत्थान के लिए। कोई भूल हुई है तो उसके प्रायश्चित के लिए भी। इसलिए जो जप है उसके दो ही लाभ हैं, एक तो प्रायश्चित के लिए और दूसरा उत्थान के लिए। इसे जप से पाप कटते हैं, मन हल्का होता है। जप किया करो, चलते फिरते खाते पीते सुबह शाम आठों याम हर पल हर घड़ी जप किया करो।